फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अर्थ का सबसे ठंडा एरिया नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं बल्कि ये हमसे 35 मील की ऊंचाई पर है, यानी कि मेसोस्फीयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर का वो एरिया है जहां पर टेम्परेचर -140 डिग्री फॉरेनहाइट से भी नीचे गिर सकता है, और इस खतरनाक सर्दी से अब तक अर्थ के लोगों को ओजोन लेयर बचाती आ रही है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ICRO की एक रिसर्च शिप नॉर्थ स्टार को ऑस्ट्रेलिया के करीब 500 मील की दूरी पर पैसिफिक ओशन में देखते हैं, जिसके अंदर एक रिसर्चर एलेक्स काम कर रहा था। मीनवाइल हम ICRO के फील्ड स्टेशन हॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया ऑफिस में एक दूसरे रिसर्चर जैक को देखते हैं, जिससे एलेक्स कॉन्टेक्ट करता है और वो दोनों इस वक्त दुनिया में होने वाले सोलर एक्लिप्स पर बात करते हैं। दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी में भी सब लोग ये एक्लिप्स देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। उधर जैक और एलेक्स इस एक्लिप्स की वजह से घट रही ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं। तभी जैक को स्क्रीन पर ओशन में शिप से 85 किलोमीटर दूर कोई गड़बड़ नजर आती है और पता चलता है कि मेसोस्फीयर का टेम्परेचर 20 डिग्री कम हो चुका है। उनके ख्याल में इसका लिंक सोलर एक्लिप्स से था, इसलिए वो ज्यादा सोचते नहीं इस पर। यहाँ हमें स्पेस से अर्थ का व्यू दिखाया जाता है जहाँ ओशन में कोई गड़बड़ हुई थी। कुछ देर बाद जैक को उसकी वाइफ एमा की कॉल आती है, जो कि उनके डिवोर्स लॉयर के साथ जैक का वेट कर रही थी। वो बोलती है कि तुम अपॉइंटमेंट के लिए 20 मिनट लेट हो। देन जैक एलेक्स को मेसोस्फीयर पर नजर रखने का बोल के जल्दी से उनके पास पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वो लोग शायद डिवोर्स लेने वाले थे। तभी ओशन की वो फुटेज दोबारा दिखाई जाती है। वो चीज अब बड़ी हो रही थी और हम देखते हैं कि आसमान से विशाल वेपर्स उस जगह गिर रहे हैं। एलेक्स भी नोट करता है कि मेसोस्फीयर का टेम्परेचर सडनली बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो गया था और वो विशाल वेपर्स अब बहुत तेजी से शिप की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को फ्रीज करते जा रहे थे। शिप के अंदर एलेक्स और उसके साथियों को अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और देखते ही देखते शिप के अंदर हर चीज फ्रीज हो जाती है, इवन एलेक्स भी, और सब लोग मारे जाते हैं। मीनवाइल जैक को US हेडक्वार्टर से कॉल आती है, जो उससे इस हफ्ते की रिपोर्ट का पूछते हैं, बट जैक बहाना बनाते हुए कॉल काट देता है। देन लॉयर के ऑफिस पहुंचने पर वो और एमा अपने टूटते हुए रिश्ते के बारे में बात करते हैं। एमा का कहना था कि जैक अपने काम की वजह से फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देता। जैक उसे ये कहकर मनाने की कोशिश करता है कि मैं खुद को बदल लूंगा, मगर वो नहीं मानती। इसके बाद घर जाने पर उसकी बेटी नियोमी भी नाराज होती है कि उसका 16 बर्थडे भूल गया। जैक उसे भी मनाने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो वेपर्स अब रोकिनो आइलैंड तक पहुंच गए थे, जो कि हॉबर्ट के साउथ में है, और वहां भी एक फैमिली फ्रीज हो चुकी थी। अगली सुबह जैक ऑफिस में होता है तो उसे एक इमरजेंसी कॉल आती है जिसमें एलेक्स और दूसरे क्रियो की डेथ का बताया जाता है, जिसके बाद जैक और उसकी कोवर्कर जोई साइट पर पहुंचते हैं जहां नॉर्थ स्टार शिप क्रैश हुई मिली थी। वहां एक आदमी ब्रेंट बताता है कि सबकी डेथ किसी तरह के टिश्यू डैमेज से हुई है, बट किसने मारा ये नहीं पता। जैक और जोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए शिप के अंदर जाते हैं। अंदर सब कुछ गीला और स्लिपरी सा था। जैक इस इंसिडेंट के बारे में US अपने बॉस वॉल्टर को भी इन्फॉर्म करता है। देन वो लोग वहां से एलेक्स की कंप्यूटर हार्ड ड्राइव अपने साथ ले जाते हैं कि शायद उससे कुछ पता चल सके, बट उसके गीला हो जाने की वजह से बाकी डाटा तो नहीं मिलता, बट कुछ धुंधले इमेजेस से बस इतना पता चलता है कि ओजोन लेयर में कोई होल हुआ है। सो जैक इस डाटा को दूसरी ड्राइव में क्लोन करने को कहता है। तभी उन्हें एमा की कॉल आती है, जो कि एलेक्स और उसके साथियों की बॉडीज पर ऑटोप्सी कर रही थी। एमा को कुछ पता चला था, सो जैक वहां जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर सिडनी वाले भी साउथ कोस्ट के वेदर में कोल्ड फ्रंट की अनोमली नोटिस करते हैं, बट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ जैक एमा के पास पहुंचता है तो वो बताती है कि इनकी बॉडी में आइस क्रिस्टल्स बन गए थे जिससे टिश्यूज डैमेज हुए। देन वो जैक को उनके फ्रोजन सेल्स दिखाते हुए बताती है कि ये तब फ्रीज होते हैं जब टेम्परेचर -80 से -100 तक गिर गया हो। वो लोग ये भी नहीं जान पाए थे कि उन्हें क्या चीज हिट की, और उनकी डेथ ऑलमोस्ट 72 घंटे पहले हुई थी, जिससे जैक समझ जाता है कि जब मेरी एलेक्स से बात हुई उसके तुरंत बाद ये सब हुआ। जोई उसे नेशनल वेदर रिपोर्ट का बताती है तो जैक समझ जाता है कि सोलर इक्लिप्स ने ओजोन लेयर में होल कर दिया, जिससे मेसोस्फीयर में से आइसी कोल्ड एयर अर्थ सरफेस तक आ गई, और विशाल ठंडे वेपर्स को ही कोल्ड फ्रंट कहते हैं, जो कि -90 डिग्री सेल्सियस तक कोल्ड होते हैं, जबकि पानी सिर्फ 0 डिग्री पर ही फ्रीज हो जाता है। मतलब कोल्ड फ्रंट हमारी सोच से भी ज्यादा ठंडा था। जैक और जोई ये सारी बात वॉल्टर को एक्सप्लेन करते हैं, बट वॉल्टर बोलता है कि तुम अपनी इस थ्योरी को फैक्ट के साथ प्रूव करो, लेकिन शिप का सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए जैक कहता है कि इस बात को कंफर्म करने के लिए उसे किसी और सैटेलाइट का एक्सेस चाहिए।
बट वॉल्टर उसे अलाउ नहीं करता और बोलता है कि तुम स्क्रैप डाटा ही भेज दो, हम उसी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वॉल्टर की कोलीग बोलती है कि एटलीस्ट नेशनल सेंटर से भी कहो कि वो लोग इस कोल्ड फ्रंट को मॉनिटर करते रहें। मगर कॉल के बाद जैक खुद से ही मिलिट्री सैटेलाइट से ओजोन होल को कंफर्म करने लगता है जिसे उसने हैक कर रखा था। सो वो जल्दी से डाटा डाउनलोडिंग पर लगा के एमरजेंसी रिस्पॉन्स वालों को इन्फॉर्म करने जाता है ताकि सब पर कोई एक्शन लिया जाए, जिसमें ब्रेंट काम करता था क्योंकि वो वॉल्टर के ऑर्डर तक वेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मीनवाइल नियोमी कॉलेज के बाद अपने दो फ्रेंड्स के साथ बीच पर फन करने के लिए जाती है। उधर जैक ब्रेंट से मिलकर उसे सारी बात बताता है, मगर वो भी किसी ऑथेंटिक सोर्स के बिना अपने चैनल पर रिपोर्ट चलाने से मना करता है क्योंकि इस तरह उसकी जॉब जा सकती थी। जब जैक उसे समझा समझा के थक जाता है तो वो उसे छोड़ के अपनी फैमिली को बचाने का डिसाइड करता है और रास्ते में एमा को कॉल करके उससे और उसके पेरेंट्स को लैब में आ जाने का कहता है क्योंकि उसकी लैब में ऐसे सिस्टम लगे थे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते थे। और वो खुद नियोमी को लेने के लिए उसके कॉलेज पहुंचता है तो नियोमी की एक फ्रेंड बताती है कि वो लॉरेंस बीच गई है। ये सुनके जैक घबरा गया था। वो वापस गाड़ी में आके नियोमी को कॉल करता है मगर उसका फोन बंद था। रास्ते में जो उसे बताती है कि कोल्ड फ्रंट लॉरेंस बीच से टकराने वाली है। उधर नियोमी और उसके दोस्त बीच पर पहुंचते हैं तो उसका दोस्त सर्फिंग करने लगता है। जैक बार बार नियोमी को कॉल कर रहा था मगर वो अटेंड नहीं करती। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि डेंस फोग उनकी तरफ बढ़ रही है। नियोमी उसकी फोटो लेने लगती है। उधर जैक 5 मिनट के ही डिस्टेंस पर था तो जोई उसे इन्फॉर्म करती है कि कोल्ड फ्रंट बीच को हिट करने वाला है, जिसके बाद जैक और तेजी से ड्राइव करते हुए बीच पर पहुंचता है और जल्दी से जाकर नियोमी और उसके फ्रेंड्स को समझाता है कि ये फोग हमें मार डालेगी, हमें यहाँ से भागना होगा। वो लोग अपने फ्रेंड्स जेरेट को भी बुलाते हैं मगर वो और दूसरी फ्रेंड नहीं बच पाते। सो जैक नियोमी को लेके वहां से भाग जाता है। वो दोनों बहुत मुश्किल से बचे थे, फोग उनके पीछे ही थी। रास्ते में जैक ब्रेंट को कॉल करके एक दफा फिर समझाने की कोशिश करता है कि दो लोगों को मैंने अभी कोल्ड फ्रंट से मरते देखा, वो कोल्ड फ्रंट अब आईसी फोग बन चुकी है और ये जल्द ही पूरे शहर को हिट करेगी। एट लास्ट ब्रेंट उसकी बात मान के एमरजेंसी अनाउंस करने के लिए जाता है। उधर एमा अपने पेरेंट्स को लेने उनके घर पहुंचती है तो जैक उसे कॉल करके बोलता है कि तुम उधर ही रहो क्योंकि फोग बहुत तेजी से फैल रहा है, तुम लोग लैब तक नहीं पहुंच पाओगे। साथ ही वो उसे हर तरह से घर को गर्म रखने के लिए कहता है। उधर ब्रेंट के कहने पर ऑस्ट्रेलियन एमरजेंसी ऑफिस से देश के हर टीवी और रेडियो चैनल पर ये एमरजेंसी न्यूज चला दी जाती है, जिसके बाद न्यूज सुनते ही लोग पैनिक करने लगे थे। यूएस में जैक के बॉस वॉल्टर को भी पता चल जाता है कि जैक सही बोल रहा था, मगर वॉल्टर अभी भी उसे इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। वो दूसरे ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाता है सोल्यूशन ढूंढने के लिए। उधर जोई जैक को बताती है कि डेटा डाउनलोड हो गया और हमारी सारी थ्योरी कंफर्म हो चुकी है। सो जैक उसे ये डेटा ICRO और एमरजेंसी रिस्पॉन्स वालों को ट्रांसफर करने का कहता है। साथ ही बोलता है कि लैब के थर्मोस्टेट्स ऑन करके ब्लैंकेट्स और जैकेट्स पास रख लो क्योंकि 1 घंटे में कोल्ड फ्रंट हॉबर्ट सिटी को हिट करने वाला था। शहर में हर तरफ क्योस फैल चुका था, लोग इलेक्ट्रिक हीटर्स, स्टोव, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह का स्टॉक करने लगे थे। कुछ लोग अपने विंडोज और डोर्स को सील कर रहे थे। एंड फाइनली कोल्ड फ्रंट शहर को हिट कर जाता है। एमरजेंसी सायरन्स बजने लगते हैं। काफी लोग अब भी रोड्स पर थे जो कि तुरंत फ्रीज हो जाते हैं। इस फोग की वजह से एक एयरप्लेन भी क्रैश कर गया था। पूरा शहर फोग में डूबता जा रहा था जिससे काफी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। जैक और नियोमी अभी भी गाड़ी में थे कि फोग एक दफा फिर उन्हें फॉलो करने लगती है। एक लेडी रेस्टोरेंट में होती है कि तभी वहां की विंडोज टूटने लगती हैं और फोग अंदर एंटर हो जाती है और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो लेडी भी मर गई थी। उधर एमा और उसके पेरेंट्स भी न्यूज सुन के काफी डर चुके थे। एंड फाइनली जैक और नियोमी लैब पहुंचकर फोग के हिट करने से कुछ सेकंड्स पहले ही अंदर एंटर हो जाते हैं और जैक एमा को कॉल करके अंदर ही रहने को कहता है। तभी सेल टावर्स फ्रीज होने की वजह से नेटवर्क भी चला गया था। बाहर सब कुछ फ्रीज हो जाता है बट अंदर हीटिंग सिस्टम की वजह से वो लोग सेफ रहते हैं। अब हम फोग को एमा की तरफ बढ़ता देखते हैं। तभी एक लड़की उनके दरवाजे पर नॉक करती है कि मुझे बचा लो। वो लोग जल्दी से उसे अंदर कर लेते हैं। उसका हाल काफी बुरा था और वो बताती है कि उस फोग में मेरा भाई भी गुम गया। वो लोग उसे गर्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद ब्रेंट अपने डिपार्टमेंट हेड को कॉल करके सारी सिचुएशन का बताता है और बोलता है कि मैं एक शेल्टर में हूँ जहाँ और भी बहुत से लोग थे। ब्रेंट बोलता है कि हमने ऐसे शेल्टर शहर में काफी जगहों पर बना रखे हैं लेकिन सब में जनरेटर्स नहीं थे और यहाँ शहर में बहुत से लोग मर गए हैं, जिसके बाद हमें बाहर पड़ी बॉडीज दिखाई जाती हैं।
दूसरी तरफ जैक नोट करता है कि इस कोल्ड फ्रंट को रोकने के लिए ओजोन लेयर के होल को बंद करना होगा, जिसका तरीका उसने ढूंढ लिया था। देन वो वॉल्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, बट वॉल्टर कहता है कि हमने अपना तरीका भी ढूंढ लिया है और हम उसी पर काम करेंगे। वो लोग हॉट एयर बैलून्स को लॉन्च करना चाह रहे थे, जिसमें मैग्नीशियम पार्टिकल्स होंगे होल को बंद करने के लिए। ये ऑपरेशन यूएस और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करने वाले थे, बट जैक बोलता है कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, मेरे पास ज्यादा बेहतर प्लान है। मगर वॉल्टर उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद जैक अपने प्लान पर अकेले ही काम करने का डिसाइड करता है। देन वॉल्टर अपना प्लान ऑस्ट्रेलियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर के साथ शेयर करता है, ताकि उनके साथ मिलकर काम कर सके। अब रात हो चुकी थी और जोई देखती है कि अब तीन और जगह ओजोन लेयर्स में होल्स बन चुके हैं। बेसिकली पहली रिफ्ट की वजह से और ज्यादा रिफ्ट बन चुकी थी और ये इससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं टाइम के साथ। जापान, रशिया, इंग्लैंड और चाइना हर जगह कोल्ड फ्रंट हिट करने वाला था, जिनमें सबसे पहली बारी जापान की आती है। अब पूरी दुनिया ही खतरे में थी। ईआरसी का हेड वॉल्टर को बताता है कि हमने लॉन्चिंग के लिए एयर बलून्स तैयार कर लिए हैं। वॉल्टर बोलता है कि अगर हमारा ऑपरेशन सफल रहा तो बाकी कंट्रीज भी यही करेंगे। तभी उनके ऑफिस को भी कोल्ड फ्रंट हिट कर जाता है। सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं, बट लीडर उनसे बोलता है कि हम बिल्डिंग के अंदर सेफ हैं, सो हमें बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम ही उनकी आखिरी उम्मीद हैं। एंड उसके बाद लॉन्च की तैयारी की जाती है। वॉल्टर की सेक्रेटरी उसे जैक से बात करने के लिए कहती है, ताकि वो बैकअप प्लान दे, बट वो अभी भी नहीं मानता। उधर ईआरसी को रिपोर्ट मिलती है कि 6 नए कोल्ड फ्रंट्स हिट करने वाले हैं, बट लॉन्च एरिया सेफ है, तो वो लोग जल्दी से लॉन्च कंप्लीट करने का ऑर्डर देते हैं। बट देन उन्हें पता चलता है कि एक कोल्ड फ्रंट यूएस एडम शिप को हिट करने वाला है, जहां से एयर बलून्स के मिशन पर रिक्वायर्ड एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाई करना था, मे बी कोई नई रिफ्ट ओपन होने की वजह से। पर फॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर जाते हैं, बट शिप पूरी तरह फ्रीज हो चुका था वहां मौजूद लोगों के साथ ही। इसके तुरंत बाद एयर बलून्स लॉन्च कर दिए जाते हैं और अब सब लोग उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे। उधर वॉल्टर की सेक्रेटरी जैक को कॉल करके मिशन का लिंक सेंड कर देती है, ताकि वो उसे मॉनिटर कर सके। उसे डर था कि मिशन फेल हो जाएगा। सब बलून्स टारगेट एरिया में पहुंचते हैं तो एयरक्राफ्ट उन पर मिसाइल फायर कर देते हैं, ताकि गैस वहां फैल जाए। एंड देन वो लोग वेट करने लगते हैं कि ये गैस होल्स को बंद कर देगी, लेकिन रिजल्ट आने पर पता चलता है कि इस तरह सिर्फ 14% होल ही बंद हो सका है। वॉल्टर का प्लान फेल हो गया था, जिसके बाद वॉल्टर शर्मिंदा होकर जैक को कॉल करता है उसका प्लान जानने के लिए। जैक उसे बताता है कि हमें अमोनियम नाइट्रेट से लोडेड 3 रॉकेट्स लॉन्च करने हैं, जो एटमॉस्फेयर की लाइटनिंग से एक्टिवेट होकर उस रिफ्ट को रिपेयर कर देंगे। जिसके बाद वॉल्टर न्यूयॉर्क में स्टैटन ऑकमेंट से कॉन्टेक्ट करके रॉकेट्स के लिए कहता है। साथ ही उसने जैक को तब तक पेलोड टारगेट कैलकुलेट करने का कहा था। मीनवाइल वॉल्टर को पता चलता है कि उसकी बीवी जिस क्रूज शिप पर थी उसे भी कोल्ड फ्रंट ने हिट कर दिया। उधर जैक कैलकुलेशंस कर रहा था कि तभी जोई बेहोश होकर गिर जाती है डायबिटिक होने की वजह से, और उसके पास इंसुलिन नहीं थी, तो जैक इंसुलिन लेने के लिए बाहर जाता है और किसी तरह वो फार्मेसी तक पहुंच गया था, जहां का ओनर उसे चोर समझता है। पीछे से वॉल्टर की कॉल आती है कैलकुलेशंस पूछने के लिए। कैलकुलेशंस कंप्लीट थी, सो वो नियोमी से उन्हें अपलोड करने का कहता है, क्योंकि वो जैक के आने तक का वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि लॉन्च पैड को किसी भी टाइम कोल्ड फ्रंट हिट कर सकता था। मगर इससे पहले कि वो अपलोडिंग कंप्लीट कर पाती, जनरेटर्स बंद हो जाते हैं। उधर जैक ने शॉप ओनर के अटैक से खुद को बचाते हुए इंसुलिन ले ली थी। तभी हम देखते हैं कि एमा ने जिस लड़की को बचाया था उसकी डेथ हो गई थी। इतनी देर में जैक वापस लैब पहुंच जाता है। नियोमी उसे वॉल्टर की कॉल का बताती है। देन जैक जोई को इंसुलिन देने के बाद जनरेटर्स ठीक करने जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक और रिफ्ट ओपन हो गई है, जिसकी वजह से कोल्ड फ्रंट न्यूयॉर्क को हिट कर रहा था, और तभी जैक जनरेटर ठीक कर लेता है। डाटा अभी भी कंप्यूटर में था, जिसे वो तुरंत अपलोड कर देता है, और साथ ही रॉकेट लॉन्च कर दिए जाते हैं, जिसके बाद रॉकेट रिफ्ट के एरिया में जाके केमिकल स्प्रेड कर देते हैं। सब लोग इसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे। एंड देन फाइनली हम स्पेस की अर्थ फुटेज में रिफ्ट को छोटा होता देखते हैं, और वॉल्टर अनाउंस करता है कि ओजोन लेयर 80% तक रिपेयर हो गया है, जिसके बाद सब खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और वॉल्टर जैक को अप्रिशिएट करता है। बाहर का टेम्परेचर भी अब नॉर्मल होने लगा था। देन लास्ट सीन में एमा बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर आती है, तो वो जैक और नियोमी थे, और फाइनली वो मिलके बहुत खुश होते हैं। जैक और एमा का रिलेशन भी अब नॉर्मल हो चुका था, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।